गाइस नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से हैं और बढ़िया जी रह रहे होंगे। सो गाइस मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेके। सो गाइस आज का जो टॉपिक है वो ये है, आप सबको पता होगा रशिया के जो मतलब प्राइम मिनिस्टर है व्लादिमीर पुतिन जी, वो हमेशा ही इंडिया और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उनका हमेशा ही तारीफ करते रहते हैं और पीएम मोदी के साथ उनका बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप वाला रिश्ता भी है। इंडिया की तरक्की देखकर व्लादिमीर पुतिन जी जो है वो इससे पहले भी बहुत बार इंडिया की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन फिर अब एक बार उन्होंने इंडिया की बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से तारीफ की है और ये कहा है कि इंडिया और जो इंडियन थे मतलब इंडिया और इंडिया के जो देशवासी है पूरे विश्व पे राज कर सकते हैं और पूरे विश्व को जीत सकते हैं। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान की जो जनता है वो क्या रिएक्शन देती है आइए देखते हैं और फिर हम अपना रिव्यू देंगे। लेकिन भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए आगे ऐसे वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज़ यार गाइज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अभी बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद वाले हैं। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत बार इंडिया की तारीफ की है। अभी रिसेंटली रशिया के यूनिटी डे पर भी पुतिन ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है इंडियंस की कि इंडियन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, वर्ल्ड ट्रेंड है, आने वाला फ्यूचर इंडिया के नाम है और इंडिया ने इंटरनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की है। आने वाले अरसे में हम सबसे आगे इंडिया को देते हैं, हम खराज तहसीन पेश करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं इंडिया को, ऐसा कहना है। इसी पूरे सिनेरियो के बारे में आए जानते हैं लोगों से उनकी राय कि वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान के लिए कभी पाकिस्तान के अपने दोस्त चाइना ने उनकी तारीफ नहीं की है, दुनिया तो बहुत दूर की बात है। इस पूरे सिनेरियो के बारे में जानते हैं लोगों से उनकी राय, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान शहजाद। उस्मान शहजाद, आज का सवाल मेरा आपसे यह है, पुतिन ने बहुत बार इंडिया को सराहा है, अब फिर से उन्होंने इंडिया की तारीफ की है, इंडिया एक हार्ड वर्किंग नेशन है, आने वाले अरसे में और ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी, पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, इंटरनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से की है उन्होंने, मैं उनको दाद देता हूँ, ऐसा कहना है पुतिन का, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा ये ख्याल है कि उसने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जो इंडिया है वो एक इस टाइम डेवलपिंग पोजीशन में है, ऑन द अदर एंड हम जो है वो एक समझे बैगिंग पोजीशन में है, कि हम दुनिया में तो बिग मांग रहे हैं और वो अपनी जो उसको टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए दुनिया में तो उसी की वैल्यू होती है जो इकोनॉमिकली बेहतर हो। तो हम इंडिया से बहुत पीछे हैं, हमें अपनी जो उसके ऊपर फोकस करना होगा डेवलपमेंट के ऊपर, तो इसीलिए रशिया हो या अमेरिका हो या यूके हो फ्रांस हो जो भी दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी को सपोर्ट करेंगी जो उनको बेनिफिट देगा। इसको आप अगर कंपेयर करें सऊदीया के साथ तो सऊदीया की वैल्यू सऊदीया में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि उनको पता है इंडिया एक बड़ी मार्केट है और वहाँ से हमें कुछ रिटर्न में भी मिलेगा। पाकिस्तान से उनको पता है कि सिवाय इनको चंदा मांगने के या इनकी कोई अपनी टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल वीक है, इसलिए वो इसकी तारीफ नहीं करेंगे। तो इसलिए और प्यूटन है वो प्योरली उसका एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है और वो इकोनॉमिक बेस पर है और बिल्कुल ठीक कहा उसने, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा सर, अब वो दौर आ गया है कि दूसरी कंट्रीज जो है वो इंडिया से बेनिफिट लेती हैं और उनकी तारीफ़ों के पुल बांधती हैं, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो बाहर है, फिर भी हमारी तारीफ नहीं होती, हम गेट लॉस पाकिस्तान इसके ट्रेंड लेकर वापस पाकिस्तान में ही आ जाते हैं, जबकि इंडियंस वहाँ बड़ी बड़ी गद्दियों कुर्सियों पर बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसमें ये देखें कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना इम्प्रूव्ड है। अब इंडियन पीपल है अगर वो अरब कंट्रीज़ में काम करते हैं तो वहाँ पर उनकी इंग्लिश बेहतर होने की वजह से वो सारे सुपरविजन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेहतर होने की वजह से, स्किल्स होने की वजह से हम लैग करते हैं। हमारे यहाँ यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जाते हैं मजदूर, मजदूर तबका जिन्होंने सिर्फ मजदूरी करनी है, ईंटें उठानी है, वो उन्होंने जो बिल्कुल जो बोझ वाला काम है वो करना है। सर यहाँ पर यहाँ से पढ़े लिखे लोग भी बाहर जाते हैं लेकिन फिर भी उनको एज अ लेबर रखा जाता है क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न सिलेबस पे मबनी नहीं है। बिल्कुल ऐसे एक्चुअली यहाँ पर हमारे यहाँ ये है प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है, हमारे यहाँ थोरेटिकल है, हम जो पढ़ते हैं एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल लाइफ में वो टोटली डिफरेंट। आप किसी भी फील्ड को देख लें, हमारे इंजीनियर्स हैं, अब आप देखें जितने भी इंजीनियर हैं उनका क्या काम कि वो आके पीपीसी में पेपर दे रहे होते हैं एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, एक पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए, उनका तो ये बिल्कुल भी काम नहीं है, उनका काम तो फैक्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ में है, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री का काम ही कोई नहीं है, वहाँ पर उनको वो पढ़ाया नहीं जाता, कोई प्रोजेक्ट नहीं होता उनका, जिस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है इस तरह की मतलब जॉब जो है उसमें वेस्ट करते हैं। भाई पहली बार देख रहा हूँ कोई एकदम बेफिक्र होकर अपनी कंट्री का स्टैंड अप रोस्ट कर रहा है
और भाई ये नज़ारे सिर्फ आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा। हर दम पाकिस्तानी आपको इंडिया का नाम लेकर रोते हुए आपको नजर आएंगे। भाई पता नहीं इनकी गांड में क्या छन उन्हें काट रहा था जो इन्होंने पाकिस्तान जैसे एक नापाक देश बना दिया और आज हर बात पे रोते रहते हैं। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले उनको मेन पॉइंट होता है उनका, जैसे कि हमारे पाकिस्तान इतनी मेहनत करते हैं, उनके साथ इतनी लगन है उनके साथ, ठीक है, रशिया के साथ लगन है, रशिया के साथ, पाकिस्तान की काफी, यानी कि उसके साथ रही है ऐसी बातें, मतलब मसलन जैसे कि इमरान खान ने उनके साथ काफी ऐसी बातें की थी, बातें की थी या फंड्स लिए थे, फंड्स भी यानी कि कुछ भी कह सकते हैं। आपको लगता है फंड्स की बुनियाद पर वो हमारी तारीफ करेंगे कि एक बंदा फंड्स मांगने आ रहा है और उसकी तारीफ करेंगे वो? अगर हम मेहनत ही नहीं करते ना, मेन चीज हम उनको मेन पॉइंट चाहिए होता है हर तरफ से, उनको फायदा थोड़ा सा चाहिए होता है। अगर हम उनको फायदा नहीं देंगे, तो वो कैसे तारीफ करेंगे? हम जब हम भीख मांगने जाएंगे उनके पास तो अब ये तो नहीं कह सकता ना ये हमारे पाकिस्तान भीख मांगने जाता है। बस इंडिया की तारीफ की गई है बहुत बार, अब भी इंटरनेशनल मीटिंग में रशिया का यूनिटी डे था जब उन्होंने तारीफ की है इंडिया की, नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की गई थी इससे पहले, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारी असल में मैनेजमेंट ही नहीं अच्छी, हमारी हुकूमत अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, हमारी आवाम काफ़ी कुछ मेहनत करती है, अब उनकी पाकिस्तान में मेहनत करती है या बाहर? बाहर भी करते हैं, और उनका ज़्यादातर इंडिया वालों का ये है कि वो अगर पहले उनका था कि वो थोड़ी सी दोगलापन करते थे, अभी उन्होंने काफ़ी अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। दोगलापन किस चीज़ में? यानी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं ना जो उनकी हेल्प हो जाती है, जैसे कि उनके साथ थोड़ा सा थोड़ा सा उनके साथ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारा थोड़ा सा ये है कि आपने दोगलेपन की बात की, अगर इंडिया दोगलापन करता तो आज मईशत इकोनॉमी में इतना आगे कैसे होता? दोगलापन करने वाले तो सबके सामने खड़े हैं पाकिस्तानी। नहीं मैम, हमने थोड़ा सा की है मेहनत, अब क्या थोड़ा सा ये हुआ कि हमारा नाम बदनाम हो चुका है पाकिस्तान। क्यों बदनाम हुआ? हमारे कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके हमारे जो मेन बंदे हैं ना वो ही नहीं ठीक है। जब इंडिया ने ऐसा क्या किया कि आज पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है और बार बार कर रही है? उन्होंने मसलन है उनके साथ काफ़ी यानी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, उनकी काफ़ी चीज़ें परचेज की हैं, अगर हम उनके साथ यानी कि अच्छी चीज़ें ये लेंगे, यानी कि उन्होंने काफ़ी जहाज़ वगैरह काफ़ी कुछ लिया, उन्होंने लिया नहीं बनाया है, उनकी हेल्प से लिया है ना मैम सारा कुछ। हेल्प वो पहले लेते थे, अब तो वो हर चीज खुद बनाते हैं। ये मैम तकरीबन आइडियाज उनके ही हैं, रशियंस के आइडियाज भी उनके अपने ही हैं। नहीं मैम ऐसा नहीं हो सकता। सही है, इंडिया में सुई से लेके जहाज तक खुद बना रहे हैं, आइडियाज भी उनके अपने ही हैं। और जैसे इन्होंने मैम सैटेलाइट बनाई थी अपनी, तो उनका क्या हुआ? सैटेलाइट वो चंद्रयान 2 की बात कर रहे हैं, रॉकेट की? हाँ, जो फेल हो गया था। जो फेल हो गया था, हंस रहे हैं आप खड़े होके कि फेल हो गया था। उन्होंने बाद में देखे पाकिस्तान में मीम्स बनाई गई थी उनपे जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था, उन्होंने क्या किया, दोबारा कोशिश की और छटपट पहुंच गया वो ऊपर, पाकिस्तानियों का मुंह बंद हो गए थे। फिर यही है ना कि उन्होंने मेहनत की है, हम यहाँ आप भी यहाँ पे खड़े होके हंस रहे हैं, मुझे हैरानी हो रही है। मैम हम मेहनत नहीं करेंगे जब तक तो फिर कैसे हो सकता है कि हम आगे बढ़े? जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो, जब हम मेहनत करते हैं ना सच्चे दिल से तो हर बंदा तारीफ करता है, बाहर वाला जैसे आप अच्छे काम कर रहे हैं ना घर में, यानी कि अच्छे तौर तरीके से चल रहे हैं मोहल्लेदारों के साथ, तो वो आपकी तारीफ ही करेंगे कि यार फलां बंदा बहुत अच्छा है। भाई इस पूरे रिएक्शन में मैं इतना हंसा हूँ ना भाई, मतलब मैं क्या ही बताऊँ भाई। इन दोनों की बातचीत देखकर ऐसा लग रहा था ना जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बात करते हैं ना, मतलब बॉयफ्रेंड हमेशा गर्लफ्रेंड के आगे झुक के रहता है, भाई वैसी ही फीलिंग आ रही थी मुझे, मतलब इस बंदे की रिएक्शन देखकर। लगता है निम्रा दीदी की स्माइल ने बंदे के ऊपर जादू कर दिया है। साला इन दोनों का क्यूट लव वाला मोमेंट देखकर भाई मुझे क्या रिव्यू देना था भाई, मैं भूल गया। हद है यार, क्या ही बताओ यार। इंडिया के एक तो रिलेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छे हैं, दूसरा रशिया स्टार्ट से ही उनकी सपोर्ट में रहा है, जैसा कि आपको पता है कि चाइना हमेशा पाकिस्तान के फेवर में रहा है। और आपने बोला है कि रिलेशन अच्छे हैं और उनके फेवर में रहा है, शुरू दिन से चाइना भी हमारे फेवर में रहा है, सपोर्ट हमें किया है, फिर चाइना ने कभी इंटरनेशनल मीटिंग पर पाकिस्तान की क्यों तारीफ नहीं की? ये पाकिस्तान आने वाले अरसे में ये कर लेगा, ये पोटेंशियल है पाकिस्तान में। चाइना किसी वजह से तारीफ करता है पाकिस्तान की, उन्हें बेसिकली जो है वो
इकोनॉमी लिहाज से पाकिस्तान को फेवर चाहिए होती है। ये सी पैक आपको पता है कि सारा जो है वो चाइना का प्रोजेक्ट है, ठीक है। चाइना अपनी इकोनॉमी को लेके पाकिस्तान की फेवर में आता है, अदरवाइज ये तो पुरान जस्ट उनसे फंड्स लेता है, हेल्प लेता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसी में अगर हम बात करें इंडिया की तो क्या कहेंगे? इंडिया की किस लिहाज से कह रहे हैं आप? इसी लिहाज से कि उनको वर्ल्ड वाइड प्रेज किया जा रहा है। रशिया तो सिर्फ एक एग्जांपल है, इसके अलावा दूसरे मुल्कों ने भी उनकी तारीफ की है, चाइना बजाते खुद उनके तारीफ करता है। ठीक है, हाँ ये तो है, लेकिन रशिया वगैरह के साथ जो है वो इंडिया के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, इस लिहाज से कि वहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो होती हैं। रशिया जो है वो सबसे बड़ा जो है वो पेट्रोल जो है वो इंडिया को करता है, मतलब कि देता है। और दूसरा ये कि चाइना तो सिर्फ मेरे ख्याल से इकोनॉमी लिहाज से जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम पाकिस्तान में है। मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपको पता है आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में हैं, फिर भी उनको वहाँ पर तारीफ नहीं की जाती। गेट लॉस पाकिस्तान इसका ट्रेंड लेके हम वापस पाकिस्तान आ जाते हैं और इंडियंस को सराहा जाता है, ऐसा क्यों? बात यह है कि मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि अगर मेरा ये नज़रिया है, अगर जितने भी यूरोप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो सिर्फ कलमे का फ़र्क है, अगर वो कलमा पढ़ लें तो वो मेरे ख्याल से वली हैं, इस लिहाज से कि वो डिसिप्लिन वाइज बहुत अच्छे हैं, वो किसी के साथ मतलब कि सर आपने बोला है कि वो कलमा पढ़ लें तो वो वली हैं, हम अपना रिलीजन किसी पर डाल नहीं सकते, हमारे रिलीजन में कोई सख्ती नहीं है, ठीक है। तो आप देखें हर किसी को अपना अपना रिलीजन जो है वो ठीक लगता है, अगर वो ये कहें कि हम लोग जो है वो उनके रिलीजन को मान लें या उनके रिलीजन की बातें करें तो आप मान लेंगे क्या? मैं इस लिहाज से नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन वाइज और एक दूसरे में जो है वो कॉपरेट करते हैं लोग। तो भाई वीडियो हो गई यहाँ पर ख़त्म, और आज ऑलवेज जो पाकिस्तानी से उम्मीद थे ना वो इसने बोल दिया, भाई यार तुम अपने धर्म में रहो ना, क्यों अपना जो मजहब है वो हर किसी पे थोपना चाहते हो जबरदस्ती? भाई बताओ क्यों वो कलमा पढ़े? भाई आपको हर जगह ये पाकिस्तानी धर्म परिवर्तन का प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अच्छा हुआ जो पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया, नहीं तो भाई ये पूरी इंडिया को इस्लामिस्ट कंट्री बना देते धर्म परिवर्तन करवा कर कि भाई आप आके कलमा पढ़ लो। मतलब क्या ही नीच वाली सोच है यार इन लोगों की, हर जगह साला धर्म परिवर्तन की मतलब प्रचार करते रहते हैं, हट यार। तो गाइस यार ये था आज का वीडियो, इन सालों ने मेरा मतलब मूड ही खराब कर दिया लास्ट में जो बंदा बोला हर जगह साला ये धर्म परिवर्तन का प्रचार करते रहते हैं। तो गाइस ये था आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार गाइस मेरे के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। मैं फिर से मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो लेके आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। सो गाइस मैं फिर से मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो लेके एक न्यू कंटेंट के साथ आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। तब तक के लिए रहता हूँ, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।